नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। जो आज की मेरी वीडियो का टाइटल है वो है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आप जिस भी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो वो आपकी बात पर यकीन भी करेगा और आपकी बात को मान भी लेगा थोड़ी ही देर में। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि ये मेरी बात मानी जाए उसके थ्रू, या चाहते हैं कि लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते हैं जल्दी तो आप मेरी बातों पर यकीन करने लग जाए जल्दी, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। हर जगह और बहुत से परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जिनकी बातों पर ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करते हैं या उनकी बात सीरियसली नहीं लेते हैं। फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे लोग होते हैं आप देखेंगे कि जिनकी बातों को हम सीरियसली लेते ही नहीं हैं, उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं होता या मान ही नहीं सकते। और फैमिली मेम्बर्स में भी कई ऐसी लेडीज़ होती हैं या जेंट्स होते हैं जिनकी बात का कोई रुतबा या रोब भी नहीं होता। इवन वो घर के बड़े भी होते हैं तो उनकी बातों का कोई भी रोब नहीं होता या उनकी बातों का कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ ये बड़े हैं तो हमने इनकी बात माननी है, ये चीज़ उनमें नहीं हो पाती। या कई कई घरों में लेडीज़ की आवाज़ को ही दबा दिया जाता है कि हाँ ये औरत है, ये लेडीज़ है तो हमने इसकी बात सुननी ही नहीं है, चाहे वो अच्छी राय भी दे रही होगी तब भी उसकी बातों को इनकार कर दिया जाता है या सुनकर भी इग्नोर कर दिया जाता है, चाहे अच्छी सलाह या आपके भले के लिए ही सलाह क्यों ना हो। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बातों को सुना जाए, आपकी बातों को माना जाए, आपका जो एक प्रभावित पर्सनैलिटी है वो आपकी बरकरार रहे, तो आपने क्या करना है उस तरीके का उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपना एक ओवरऑल पर्सनैलिटी एटीट्यूड बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं या चाहते हैं कि मेरा एक रुतबा हो बात में या मेरी बात मानी जाए, तो उस बात में एक कॉन्फिडेंस लेवल लाना, उस बात में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, ये नहीं कि मतलब गलत बात भी नेगेटिव एटीट्यूड से किए तो कोई डर की वजह से आपकी बात माने, ये भी सही नहीं है। कि आप बड़े भी हैं तो एक डर दिखाकर आपकी बात मनवाना और एक सही तरीके से रिस्पेक्ट वे से लोगों को आपकी बात मानना, इसमें बहुत फ़र्क है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डर दिखा के अपनी बात मनवा लेते हैं और कई लोगों की बात अभी आधी भी नहीं होती हम साथ ही उनकी बात मान लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया मैं कर देती हूँ, क्योंकि उसके लिए वो एक रिस्पेक्ट है, उसने वो रिस्पेक्ट कमाई है, उसका एक कॉन्फिडेंस ऐसा है, उसका एक एटीट्यूड ऐसा है। तो अपने अंदर ऐसा ही कॉन्फिडेंस, ऐसा ही कॉन्फिडेंट, ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखना है, जो कि इन चीज़ों की वजह से आएगा जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मजबूत करने के लिए, अपनी बात को लोगों के ज़रिए मनवाने के लिए, यकीन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपका गुरु ग्रह, आपका सूर्य और आपका बुध ग्रह तेज हो। क्योंकि बुध ग्रह अगर तेज होगा तो आपकी बुद्धि तेज होगी, जब भी आप कुछ बोलेंगे तो वो इतना अच्छा बोलेंगे कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी बात मान लेंगे कि ये तो बहुत समझदारी की बात करता है। दूसरी बात, आपको हाजिर जवाबी बनाएगा। कभी भी अगर आपका माइंड हाजिर जवाब भी है तो कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बात पर यकीन ना करे या आपकी बात सुनकर अनसुना कर दे। हाजिर जवाबी का मतलब ही होता है कि इसका दिमाग बहुत शार्प है, ये कुछ भी बोल रहा है तो बहुत सोच समझ के ही बोल रहा है या इसके पास एकदम से ऐसे आंसर आ रहे हैं क्योंकि ये ऐसी बातें करता रहता है। तो बुध ग्रह अपना मजबूत करना है। इसके अलावा अगर आपका गुरु ग्रह और आपका सूरज कमज़ोर है तो आपका रुतबा नहीं रहेगा कहीं पे भी। यानी कि अगर आप घर के बड़े भी हैं, कहीं टीचर हैं, कहीं पर आपकी पोस्ट है कोई बड़ी, तो भी आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपका गुरु ग्रह ही कमज़ोर है, आपका सूरज ही कमज़ोर है। ये दोनों अगर कमज़ोर है तो ये आपकी सोचने क्षमता को या आप जो कुछ बोल रही हैं उसको कमज़ोर कर देता है। आप ये सब सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोचने लग जाएगा, तो वो जवाब वैसा नहीं आ पाता जैसा आना चाहिए।
तो इन तीनों चीज़ों को मजबूत करने के लिए, आप ये समझ गई है कि कौन सी चीज़ें मजबूत करनी ज़रूरी हैं, इन तीनों चीज़ों को मजबूत करने के लिए जो मैं आपको बताऊंगी, वो मुंह में रखने से, वो खाने से, ये चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया रूप से मजबूत होगी और आपकी बातों का वज़न बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, ये 100% गारंटी है। पहली चीज़ है, बुधवार के दिन आपने इलायची फ्लेवर का माउथ फ्रेशनर यूज़ करना है। हर बुधवार के बुधवार आपने इलायची फ्लेवर का माउथ फ्रेशनर यूज़ करना ही करना है। और एक और चीज़ है जो आपके गुरु ग्रह और आपके सूरज को, सूर्य ग्रह को यानी कि मजबूत कर देगा, वो है गुड़। गुरुवार के दिन से शुरू होकर डेली यानी कि रोज़ाना आपने खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाना है। ये आपने सुबह के वक्त भी खाना है, दोपहर के वक्त भी, रात के वक्त भी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्का सा भी गुड़ आप खा सकते हैं, सुबह के वक्त भी, दोपहर के वक्त भी और शाम के वक्त भी। आपने बुधवार के दिन भी गुड़ खाना है, लेकिन बुधवार के दिन एक चीज़ है जो और ऐड कर देनी है, वो बस ये है कि आपने इलायची फ्लेवर का माउथ फ्रेशनर यूज़ करना है सिर्फ सुबह के वक्त, बाकी टाइम आपने खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना है। इसमें गुड़ खाने से आपकी वाणी भी अच्छी होगी, अगर आपकी आदत है गाली गलौच निकालने की तो वो भी देखना आपकी कम हो जाएगी, आपकी बातों का वज़न बढ़ेगा, इसके साथ साथ लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से बहुत जल्दी अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि गुड़ आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगा, आपके सूर्य ग्रह को मजबूत कर देगा, पर्सनैलिटी निखार देगा, आपकी बातों में निखार ला देगा वो। ये दो चीज़ें आपने करनी है। इसके साथ साथ आपने जब माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करेंगे, वो याद रखना है कि नहा धोकर काम पर जाने से पहले ही करना है। ये नहीं कि आप सुबह उठेंगे और अचानक माउथ फ्रेशनर आपने यूज़ कर दिया, जैसे कि गुड़ आपने रोटी खाने के बाद तीनों टाइम यूज़ करना है, वैसे इलायची आपने सुबह नहा धोकर इलायची का माउथ फ्रेशनर यूज़ करना है, उसके बाद आधे घंटे बाद कुछ भी आप खाते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ लेंगे, जैसे कि आपने गुरुवार से शुरू होकर रोज़ाना ये चीज़ लेनी है। तो इससे आपका देखेंगे कि बात करते, जब आप बात करेंगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि पहले मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा था, अब सुन रहा है, मानेंगे आपकी बात, सुनेंगे आपकी बात, आपकी बातों पर यकीन किया जाएगा और आपकी बातों का वज़न बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा। अगर किसी को पसंद करते हैं तो भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगा या होगी, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते वाणी की वजह से अगर ख़राब हो रहे हैं तो वो भी सुधर जाएंगे आपके। ये चीज़ आपने करनी है, रोज़ाना करनी है, गुरुवार से शुरू होना है और बुधवार को आपने इलायची फ्लेवर का जो माउथ फ्रेशनर है सुबह के वक्त यूज़ करना है। सिर्फ ये चीज़ है, अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी बात कभी भी अनसुनी नहीं होगी और आपकी बात हर किसी के द्वारा सुनी जाएगी और मानी भी जाएगी, जिससे भी बात मनवाना चाहते हैं वो भी आपकी बात ज़रूर मानेगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।